दिल्ली के ऐतिहासिक नगरी मेहरुली, जहां पर ऐतिहासिक धरोहर के अलावा मशहूर बाजार के साथ साथ यहां बहुत सारी सरकारी गलियां हैं, जहां इस ऐतिहासिक नगरी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं यहां के बाजारों में भी खरीदारी करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ एक भी पार्किंग की जगह नहीं है, जिसके कारण लोगों को इधर उधर सड़कों पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। कार और बाइक पार्किंग ना होने के कारण अब यहाँ बाजारों में बाहर के ग्राहक ना के बराबर आते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी कारण को देखते हुए यहाँ पर कार और बाइक की पार्किंग की जगह के लिए शिलान्यास किया गया। और आपको बता दें, इस समस्या से जूझते रहे लगातार यहाँ के लोगों ने, जब कुछ नहीं देखा तो इसका निदान किया गया और नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ की पार्षद आरती सिंह और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कोषा अध्यक्ष गजेंद्र सिंह और मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा पाठ कर नारियल तोड़कर इस जमीन का शिलान्यास किया, जहाँ पर आपको बता दें पार्किंग बनाई जाएगी। इस पार्किंग में आपको बता दें तकरीबन 200 कार और 200 स्कूटर और बाइक खड़ी होने की क्षमता होगी। तस्वीरें हम आपको मेहरोली की दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार पार्किंग और बाइक पार्किंग के लिए शिलान्यास किया गया है। लगातार मेहरोली के लोग जो हैं इस समस्या से जूझ रहे थे, साथ ही साथ जो लोग यहां पर अपना रोजगार चला रहे थे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसलिए थी क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और लगातार लोगों ने इसकी जो जानकारी है और इसकी शिकायत जो है इलाके के लोगों को करी और यहाँ के स्थानीय पार्षद को करी। पार्षद ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए, आपको बता दें, इस कार्य को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया और उसके बाद यहाँ पर शिलान्यास किया। और बहुत जल्दी आपको बता दें कि मेहरुली इलाके में 200 कार और स्कूटर के लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है उसका इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेहरुली की, जहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी भी लगी और इसका जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो करने के बाद यहाँ पर जो कार है वो किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही यहाँ पर पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी और सभी लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ा कर पाएंगे। आरती जी, मेहरौली वालों को नवरात्रि का क्या सौगात दे रही हैं आप? सबसे पहले तो जय माता दी, आज नवमी का दिन है और बहुत शुभ मुहूर्त है और बहुत शुभ दिन है। आज हमने अपनी मेहरोली के लिए यहाँ पार्किंग का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले जब से मैं जीत कर आई हूँ निरंतर मैंने मेहरोली में पार्किंग के लिए प्रयास किया था, लेकिन ASI की वजह से कई बार हमारी मल्टी लेवल पार्किंग का प्रोजेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो लेकिन अक्सर हर त्यौहार पे जो समस्या मेहरोली में रहती थी कि बाज़ार में जाम लग जाता था, गाड़ियां नहीं आ पाती थी, तो ऐसा स्थान देना ही था मेहरोली क्षेत्र को जहां पर उनकी गाड़ियां खड़ी हो सके, लोग ठीक से अपनी बाज़ार कर सके, त्यौहारों में ख़रीदारी कर सके। तो आज वो शुभ दिन है और आज नवमी के दिन हमने आज इस अम्बावता कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग का उद्घाटन किया है और ये पूरी पार्किंग मेरे मेहरोली वासियों को समर्पित है और मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्य मैं अपने कार्यकाल में मैं मेहरोली को एक सौगात दे पाई, जो मैंने सपना देखा था आज वो पूरा हो गया है। भले ही वो मल्टी लेवल पार्किंग में अभी थोड़ा आप समय लगे, क्योंकि मेरा ऐसा इरादा है कि मल्टी लेवल पार्किंग भी मेहरोली में होनी चाहिए, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और ये जो पार्किंग आज बनी है ये भी पहले बन जाती है, लेकिन आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से 2 साल सभी के ख़राब हो गए, चाहे वो काम के हों चाहे वो धन के हों, सभी को बहुत आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। और उसके बाद भी ये पार्किंग आज यहाँ पर बन रही है, मुझे बहुत खुशी है, ये सब हमारे मेहरोली वासियों के लिए है। तो क्या लगता है कि अगले टर्म में अगर आप आती हैं तो अपना ये मेहरोली वालों को मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर मिलेगी? देखिए, अगले टर्म में तो ये सब माता रानी पे है, अगर मुझे मौका दिया माता रानी ने, क्योंकि ये मौका भी उन्हीं की कृपा से मुझे मिला है, तो निश्चित तौर पे मल्टी लेवल पार्किंग के लिए मैं निरंतर प्रयास करती रहूँगी। जिस तरह से इस ASI की रुकावट के बावजूद इस पार्किंग के लिए मैं निरंतर प्रयास करती रही, निरंतर आवाज़ उठाती रही और आज ये पार्किंग बन रही है, इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग हमें मिल जाए इसका मेरा पूरी तरह से प्रयास चलता रहेगा। नाम बता दीजिए सर अपना। मैं भगवान दास तनेजा, जो जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं या हमारी मार्केट एसोसिएशन है उसका मैं सरपरस्त हूं और आज जो ये कार्य हुआ है जिसकी हमें समस्या थी पार्किंग को लेकर मेहरौली, वही मैं कह रहा हूं, आज जो कार्य हुआ है उसकी हमारे कई सालों से ये समस्या थी कि मेहरौली बाज़ार के अंदर पार्किंग ना होने की वजह से बिजनेस जो है दुकानदारों का आधा हो गया था।
क्योंकि गाड़ी करने की समस्या, गाड़ी खड़े करने की समस्या ये थी कि कहाँ लगा के जाए क्रेन, उठाने का डर था, टायर पंचर होने का डर था, इसलिए यहाँ ग्राहक आना बंद हो गया था। हमने अपने निगम पार्षद अपरी बिटिया आरती सिंह जी हैं उनसे अनुरोध किया, हमारे गजेंद्र जी हैं नेता हैं, हमारे युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी अनुरोध किया कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए, मार्केट वाले आपके एहसानमंद रहेंगे। इन्होंने हमारी समस्या को सुना। आज जो ये इसका उद्घाटन किया गया, ये सुंदर रमणीक जगह दी गई है कार की पार्किंग एवं स्कूटर की पार्किंग के लिए, ये यहाँ पर खड़ी हो जाएंगे। एक तो हमारे बाजार का बिजनेस उठेगा जो बंद हो गया ठीक ठाक, और आप बाहर से आने वालों को ये समस्या पार्किंग की नहीं रहेगी। तो हम मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अपनी बिटिया आरती जी का, जो हमारी निगम पार्षद है, और गजेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं जितनी भी हमारी समस्याएँ हैं वो इसी तरह सुनते रहेंगे और उनका समाधान करते रहेंगे। धन्यवाद। गजेंद्र जी, इस पार्किंग की खासियत बताइए कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी यहाँ पे, कार और स्कूटर और बाइक, और कितने लागत से ये बन रही है और कब तैयार हो रही है? ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी की कार पार्किंग यहाँ पर चल रही है वो बिल्कुल इस तरह की होगी जैसे टोल प्लाजा में हमारे डिजिटली अटैच होती है कि चिप होती है कार में और टोल के बैरियर खड़े हो जाते हैं, तो उसी तरह की पार्किंग है। और लगभग अंदाजा 200 कार एक साथ यहाँ खड़ी हो सकेंगी और 200-250 मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटी खड़ी हो सकेंगी, और आवाजाही की अगर बात करें तो लगभग 500 से 600 कारों की आवाजाही पूरे दिन में यहाँ पर रहने वाली है। कब तक ये तैयार हो जाएगी और लगभग कितनी लागत? लागत का जो अनुमानित राशि है वो तो क्लियर मुझे नहीं ध्यान में है क्योंकि वो तो जो ठेकेदार हैं कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका काम है, लेकिन हमने समय सीमा तय करी है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम होना चाहिए, और आज अक्टूबर में हम बात कर रहे हैं तो अक्टूबर 14 तारीख, तो दिसंबर 14 तारीख से पहले यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर के हाथों से कराया जाएगा। अच्छा, आप मेहरौली में पले बड़े हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे गलियाँ हैं, मेहरौली ऐतिहासिक नगरी है, पार्किंग की कितनी बड़ी समस्या आप देखते आए हैं? पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो निगम पार्षद आरती सिंह हैं वो बहुत मेहनत के साथ पार्किंग का मुद्दा सदन में बार बार उठाती हैं, और मुझे लगता है कि मेहरौली और किशनगढ़ को अगर मैं जोड़कर बात करूं तो इस पूरे 68S वार्ड में 10 पार्किंग की ज़रूरत है। केवल और केवल एक पार्किंग से काम नहीं चलने वाला, किशनगढ़ में भी कम से कम 2 पार्किंग चाहिए। वार्ड नंबर 8 मेहता चौक और वार्ड नंबर 8 सराय, वार्ड नंबर 6, इनमें भी पार्किंग की ज़रूरत है, वार्ड 2 में पार्किंग की ज़रूरत है। तो वो सारा प्रयास निगम पार्षद आरती जी का चल रहा है, और उस तरह की जो पत्र व्यवहार है पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, वे सब चल रही हैं। वार्ड 3 की भी एक जगह जो DDA लैंड है वो भी प्रपोजल में है। वार्ड 2 का हनुमान शिव मंदिर के सामने गढ़वाल कॉलोनी में जो लैंड है वो भी प्रपोजल में है कि वहाँ पर भी कार पार्क बने, और ये सब पाइपलाइन में है। जैसे ये खुशखबरी दी है ऐसी जल्दी में वो खुशखबरी भी आपको मिलेगी। नाम बता दीजिए। हाँ, रमेश कुमार सचदेवा, प्रेसिडेंट मेहरौली मार्केट एसोसिएशन। मेहरौली मार्केट की पार्किंग के लिए कितनी बड़ी समस्या थी जो अब दूर होने जा रही है? ये मार्केट की समस्या तो बहुत वर्षों से चली आ रही है पार्किंग के लिए, और आज ये बड़ा खुशनसीब माँ का दिन है जो हमारे आरती मैडम और हमारे गजेंद्र भाई के उनके अथक प्रयासों से जो इस कार्य को शुभारंभ हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इससे मेहरौली की जनता भी, मेहरौली मार्केट एसोसिएशन भी, मेहरौली के दुकानदार व्यापारी भाई सब बहुत खुश होंगे कि इस अच्छे कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया जाएगा, और हमारी भी आशा यही है कि इस कार्य को जल्द से जल्द किया जाए, और शुभकामनाएं हम अपने दोनों को इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और सारे मेहरौली। ये पार्किंग बन जाने से आप लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा? बिल्कुल, व्यापार पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर इस बारे में भी हमारी आरती जी ने और गजेंद्र भाई ने सोचा है तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे हमारे मेहरौली वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, सबके ऊपर काम के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर आता है उसे आने की पार्किंग की अगर व्यवस्था मिलेगी तो 10-20-50 रुपये देने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। वो देंगे, आराम से गाड़ी लगाएंगे तो उनको सुविधा मिलेगी और उसका आनंद देंगे वो। धन्यवाद।